और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर वन बुलेटिन न्यूज टॉप 9। राज्यसभा में किसान मुद्दे पर विपक्ष का क्या रुख रहा, क्या लोकसभा में आज कृषि कानून पर विपक्ष का हल्ला बोल रहेगा, केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठन कब करने वाले हैं चक्का जाम, और दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर पुलिस की सुरक्षा कवच पर विपक्ष ने सवाल क्यों उठाए, इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 खेती पर घमासान। विपक्ष ने राज्यसभा में किसान आंदोलन और कृषि कानून पर आज चर्चा करने की मांग की, जिस पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि किसान मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा आज नहीं कल होगी। इसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद लोकसभा में किसान मुद्दे और कृषि कानून बिल को लेकर हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसान मुद्दे पर आज चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आशंका है कि विपक्ष किसान मुद्दे पर आज लोकसभा में सरकार को घेरेगी और इस पर जमकर हंगामा करेगी। कृषि कानून को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान संगठन के मुताबिक उनका ये चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवे पर होगा। किसान आंदोलन में राजनीति भी जमकर हो रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत आज गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत से भी संजय राउत मिलेंगे। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना किसानों के साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 26 जनवरी जैसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए बैरिकेडिंग मजबूत की गई है। इसके अलावा सड़क पर बड़े बड़े नुकीले कील बिछाए गए हैं। अगर कोई भी ट्रैक्टर या गाड़ी से जबरदस्ती सुरक्षा घेरा पार करे तो उसका टायर फट जाए। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सड़क पर कीलों को बिछाए जाने पर विपक्ष ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तंज कसा कि सरकार को पुल बनाना चाहिए, ना कि दीवार खड़ी करनी चाहिए। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी निशाना साधा है। ये दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये देशद्रोही है, इनको गद्दार कहते हैं आप, इनको आतंकवादी कहते हैं। किसान हिंसा के बाद दिल्ली के आईटीयू पर भी दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि किसान हिंसा के दौरान सबसे भयावह तस्वीर आईटीयू पर देखने को मिली थी। दिल्ली पुलिस ने अब यहां मजबूत बैरिकेडिंग की है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी हिंसा, कोई भी अप्रिय घटना दिल्ली में ना घट पाए। किसान आंदोलन में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं की रोक की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आज शाम तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। 26 जनवरी को हिंसा के बाद अब तक 3 बार इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करने के बाद फिर से एक्टिव कर दिया गया है। भारत सरकार ने अफवाह फैलाने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया था। जब इसे लेकर बवाल मचा तो इन अकाउंट्स का रिव्यू किया गया। इसके बाद इन्हें फिर से एक बार एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान में क्यों डर डर के जी रहा है आर्मी चीफ जनरल बाजवा? कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान के किस मंत्री ने बेतुका बयान दिया, और हिंद महासागर में चीन की कौन सी साजिश का पर्दाफाश हुआ? दुश्मन मुल्कों की साजिश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पर। पाकिस्तान में विपक्ष के सीधे हमले से जनरल बाजवा घबराया हुआ है। बाजवा ने इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात की। इस आपात मीटिंग में ISI का DG फैज हामिद भी शामिल हुआ। मुल्क में बगावत और LOC पर टेंशन से बाजवा की बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे में अब पाकिस्तानी आर्मी और ISI ध्यान हटाने के लिए नई आतंकी साजिश करने में जुटी है। अपनी छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नई पहल शुरू की है। इमरान खान ने टेलीफोन पर जनता से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इमरान ने लोगों से कहा कि थोड़ा धैर्य रखें, हर समस्या का समाधान कर पाकिस्तान एक मजबूत और बेहतर मुल्क बनने की राह पर है। लोगों ने इमरान से भ्रष्टाचार, वैक्सीन, गिलगित बल्टिस्तान से लेकर कई मुद्दों पर सवाल पूछे। भारत के रक्षा बजट को देखकर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। इमरान सरकार ने भारत की तैयारियों को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है। सीमा के हालात को देखते हुए भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट साफ देखी गई। पाकिस्तान में मौसम परिवर्तन विभाग की मंत्री जरताज गुल ने संसद में बयान दिया कि अब मुल्क में गाय के गोबर से बने ईंधन से बसें चलाई जाएंगी, कि 350 काउ डंग जो है वो रोजाना साहिल समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है, हम उससे इंशाल्लाह आपको बसें चला के दिखाएंगे। साउथ चाइना सी में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब चीन ने बॉम्बर्स के जरिए साउथ चाइना सी में शक्ति प्रदर्शन किया है। ड्रैगन ने इस ड्रिल में अमेरिकी युद्ध पोतों पर हमले की प्रैक्टिस की है। इस वॉर रिहर्सल में ड्रैगन के 8 बॉम्बर शामिल हैं।
हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। अब सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की नई साजिश कैद हुई है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ड्रैगन की नई न्यूक्लियर सबमरीन देखी गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की ये सबमरीन अमेरिकी नेवी के वर्जीनिया क्लास के टक्कर की है। हांगकांग में चीन की तानाशाही से त्राहिमाम मचा है। ड्रैगन का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि हांगकांग में हजारों लोगों ने अपना आशियाना छोड़ दिया है। कार्रवाई के डर से हजारों लोग ब्रिटेन में जाकर रहने लगे हैं। हांगकांग में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में पाकिस्तान प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन रशीद का कोरोना वैक्सीन पर बेतुका बयान सामने आया। मंत्री ने पाकिस्तान के लोगों को डराते हुए कहा कि अपने रिस्क पर ही कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। एलओसी पर एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक करतूत की है। सीज़फ़ायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के मानकोट सेक्टर में भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग में एक बुजुर्ग और दो बच्चे घायल हो गए। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत पर भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बजट से सेंसेक्स में कैसे आया रिकॉर्ड उछाल? बजट में चुनावी राज्यों की घोषणाओं पर शिवसेना का तंज क्या है? महबूबा मुफ्ती का जहरीला बयान क्या है? और कितने देशों को मिली मेड इन इंडिया वैक्सीन? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 नेशनल न्यूज। बजट के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। 1000 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 50,000 को पार कर गया। इसके साथ ही निफ्टी ने भी 400 अंकों की बढ़त के साथ 14,700 को पार किया है। मुखपत्र सामना में बजट पर शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने कहा कि बजट में सिर्फ चुनावी राज्यों को योजनाएं मिली हैं। महाराष्ट्र को इस बजट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शिवसेना ने बजट में महाराष्ट्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये सरकार सपने दिखाने और बेचने में माहिर है। दिल्ली दूतावास ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की। पीएम मोदी ने इस बातचीत के जरिए दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया है। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है, तो दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी निंदा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज HAL के तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करेंगे। HAL के मुताबिक एयरफोर्स को तेजस LCA की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर साल करीब 16 विमान दिए जाएंगे। वैक्सीन फ्रेंडशिप अभियान के तहत भारत ने कुवैत को मेड इन इंडिया वैक्सीन की पहली खेप भेज दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। भारत की इस मुहिम को पूरी दुनिया से सराहना मिल रही है। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान भड़काऊ बयान दिया। महबूबा ने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और बाहरी लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जो भी कोई बाहर से आएगा उसको जगह देंगे, मगर अगर मुसलमान है इसके लिए जगह नहीं है। ये खूबसूरत नजारा कश्मीर के द्रोंग वाटरफॉल का है। दरअसल कड़ाके की ठंड के चलते जम्मू कश्मीर के द्रोंग वाटरफॉल को बर्फ में तब्दील कर दिया। पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र द्रोंग वाटरफॉल को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के काला रूस में भारी बर्फबारी के बीच सेना की जिप्सी में एक बच्ची का जन्म हुआ। माँ और बच्ची दोनों ही स्वस्थ हैं। काला रूस के कंपनी कमांडर को एक आशा वर्कर ने इमरजेंसी कॉल कर मामले की जानकारी दी और कहा कि बर्फबारी के कारण यहाँ एम्बुलेंस नहीं भेजी जा सकती, जिसके बाद सेना के जवान मदद के लिए आ गए। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के शुरुआती 3 से 4 दिनों तक मौसम बिगड़ा रहने की आशंका है। बारिश के बाद ठंड पड़ेगी। कहां PSC जवानों पर चढ़ा कैंटर? ममता बनर्जी ने किसको चोर डकैत बताया और राम मंदिर के चंदे पर कांग्रेस विधायक का शर्मनाक बयान क्यों? प्रदेश से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य। यूपी के बुलंदशहर में किसानों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर एक कैंटर ने PSC के जवानों को रौंद दिया। इस हादसे में गाजियाबाद के रहने वाले PSC 38 बटालियन के 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। इस हादसे की वजह से पुलिस महकमे में मातम छाया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने एक ठेकेदार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हवाई फायरिंग की। दबंगों ने ठेकेदार को जमकर पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया है। हमले की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक फार्मा स्टोर और नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर तक देखी गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है।
अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए देश भर में चल रहे डोनेशन अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ सीट से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने विवादित बयान दिया है। एमएलए ने कहा है कि भाजपा नेता राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं। और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे हो, भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि चोर डकैत अपनी संपत्ति बचाने के लिए टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवा रहे हैं। इस बार मैं उन लोगों की जगह अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारूंगी जिन्हें जनता भी स्वीकार करेगी। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में माथापच्ची जारी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई। बिहार में नई सरकार का गठन बीते 16 नवंबर को हुआ था। अभी तक सरकार का कामकाज 14 मंत्री ही देख रहे हैं। बीजेपी की चिंता जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही तकरार को लेकर भी है। महाराष्ट्र में पोलियो अभियान के तहत बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल हेल्थकर्मी ने पोलियो ड्रॉप की जगह 12 बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। बड़ी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और आशा वर्कर सस्पेंड कर दिए गए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में कई दिन से लापता युवक का शव नाले में मिलने के बाद गांव के लोगों ने शव को पुलिस स्टेशन के बाहर रखकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें डांट कर भगा दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रशासन ने एक फर्जी सोसाइटी बैंक का भंडाफोड़ किया है। दो कमरों के इस फर्जी बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, कार लोन व होम फाइनेंस के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। प्रशासन ने यहां दस्तावेज जब्त कर फर्जी बैंक को सील कर दिया है।